बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने काशी की जनता को विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि वो परिवार समेत विंध्याचल का दर्शन कर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार काफी संवेदनशील सरकार है, काफी अच्छा काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी का बेहतर विकास किया है। बिहार में उपचुनाव और पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं काशी के पे धरती पे आई हूँ, उसको नमन करती हूँ, बाबा विश्वनाथ जी को और यहाँ के संपूर्ण जनता को। जो है अभी अभी विजयदशमी कल बीता है, उसमें सबको हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। और आने का कोई खास कारण नहीं है, मैं परिवार के साथ आई हूँ और विंध्याचल गई थी, विंध्याचल का दर्शन हुआ और बाबा विश्वनाथ में भी हमें रुद्राभिषेक करना है और निश्चित रूप से यहाँ बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन होगा। शाम को आरती में, गंगा आरती में भी हमारे बच्चे सब जाएंगे, बच्चों के साथ आई हूँ। तो इसलिए यहाँ अपना और जो काम चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार काफ़ी संवेदनशील सरकार है, अच्छा काम हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं जितनी बधाई दे सकती हूँ, जितना धन्यवाद दे सकती हूँ, उन्होंने जो मैंने काशी को, इस क्षेत्र को जितना अभी ये हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है और हो रहा है, भविष्य में भी और होगा, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। मैम, बिहार में चुनाव का माहौल है, उपचुनाव भी चल रहे हैं, पंचायत चुनाव भी, क्या रिजल्ट की संभावना लग रही है? निश्चित रूप से रिजल्ट हम लोग का तो अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छे रिजल्ट करते हैं। और काम जब हम अच्छा करेंगे तो जनता निश्चित रूप से मुझे विश्वास की है और विश्वास के साथ हमें जिताती है। तारापुर में नीतीश कुमार जी की लव कुश समीकरण पर दाव लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, तारापुर हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। और यूपी में जो 2022 का चुनाव होने वाला है उसको किस तरीके से? निश्चित रूप से हमारी संख्या जितनी है निश्चित रहेगी और यूपी सरकार जितना काम की है, माननीय हमारे योगी जी ने जितना काम किया है और ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन में जितना काम हुआ है विकास का, आज हर घर में दिखाई पड़ रहा है। और छोटे से लेके बड़े तक जो हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास है, निश्चित रूप से सबके साथ में और सबके विकास में हम लोग लगे हुए हैं। और जनता ने एक भरोसा जताया है और हर घर में माननीय मोदी जी का प्रवेश है, इसलिए माननीय योगी जी का प्रवेश है, क्योंकि हम लोगों ने कभी कुछ नहीं, ना कोई परिवारवाद है, ना कोई जातिवाद है, इसलिए हम लोगों ने निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास में आने वाले समय में फिर योगी जी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं भी संशय नहीं। वहीं तारापुर सीट पर उन्होंने कहा कि हम निश्चित ही तारापुर सीट जीत रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।